सियालकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां पर सियालकोट डायोसिस के इलाका भंडर में नए तामीर होने वाले चर्च की मखसूसियत की एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद भंडर में हुआ, जिसमें बिशप ऑफ सियालकोट तकदस मां बिशप एल्विन सैमुअल जॉन मेहमान खसूसी थे। बिशप एल्विन सैमुअल जॉन ने कलीसिया की दिलचस्पी को सराहते हुए बयान किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसा 5 माह में इस चर्च को इंतहाई खूबसूरत बनाने वाले कलीसिया के अफराद को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावन ताला उनको बरकात से मालामाल करे, ताकि वो इसी जोश और लगन से खुदावन के घर के लिए काम करते रहें। भंडर और गिर्दोनवा की सारी कलीसिया और खिदमतगार पास्टर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चर्च की तामीर का काम मुकम्मल करवाया। बिशप एल्विन सैमुअल जॉन ने चर्च की मखसूसियत की और चर्च को बरकत दी। इस मौका पर खसूसी दुआ की गई और कलीसिया को भी बरकत दी गई। भंडर के चर्च की मखसूसियत के मौका पर इलाका इंचार्ज पास्टर तमुलजन नाज, पास्टर आशिर, पादरी विल्सन इमैनुअल ने भी कलीसिया को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में खजानची सियालकोट डायसिस खुरम शहजाद, मिशनरी इरफान डैनियल के अलावा मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जर्नलिस्ट जावेद गुल से गुफ्तगू करते हुए सुनील भाई ने बताया कि 17 जनवरी को चर्च की पहली ईंट लगाई गई थी। खुदावन का शुक्र है, 19 जून को भंडर चर्च की मखसूसियत हुई है। हम खुदावन के मशकूर हैं कि जिसने हमें हिम्मत और तौफीक दी है कि हम कलीसिया के साथ मिलकर 5 माह में चर्च की तामीर को मुकम्मल कर सकें। हम इस खुशी के मौका पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं।